आइज़ अलग तरह की होती हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल्स को डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग तरह के टिश्यू बनाना जरूरी होता है ताकि वो उसके बाद उन स्पेशलाइज ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकें और उसके बाद फिर स्पेशल वर्क कर सकें बिल्कुल वैसे ही क्योंकि हम बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो प्लांट्स में भी लगभग वैसा ही सिनेरियो होता है प्लांट्स में भी अलग अलग फंक्शंस करने के लिए सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं तो आखिर कितने तरह के टिश्यूज होते हैं क्या प्लांट के टिश्यूज या प्लांट की लाइफ फॉर्म्स ह्यूमंस और एनिमल्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं या सिंपल होती हैं इन सब चीजों की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के एंड तक वेलकम टू एस चांद अकेडमी माई नेम इज आदित्य एंड विल बी टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यूज बिफोर वी गो हैड इससे पहले कि हम आगे लेट मी रिमाइंड यू दैट अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं डेफ्थ में पढ़ना चाहते हैं तो ऐशान पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपीज़ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप ई बुक को भी एक्सेस कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन विच इज़ स्टार्टिंग विथ योर सेमेस्टर थ्री पर्टिकुलरली विच इज़ डीलिंग विद प्लांट अनाटोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पूरे सेमेस्टर थ्री में प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी का डिस्कशन है जिसमें पहला टॉपिक है मैरिस्टम्स एंड पर्मानेंट टिश्यूज़ यानी कि प्लांट के अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं किस तरह से उनका डिफ्रेंशिएशन होता है क्या कुछ टिश्यूज़ अनडिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो अगर हम एक जनरल अकाउंट देखें टिश्यूज़ के बारे में बात करें टिश्यूज़ जो हैं वो कलेक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं उनमें कई बार एक जैसी सेल्स भी हो सकती हैं और अलग अलग तरह की सेल्स भी हो सकती हैं टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एवोल्यूशन के दौरान जैसे जैसे लाइफ फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स होती गई वैसे वैसे उनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने के लिए ज़रूरी था क्योंकि एक ही तरह की सेल को अगर आप सारे काम देंगे सारे काम एक ही सेल करेगी तो उसके जो फंक्शन हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और एफिशियंसी घटती चली जाएगी इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे दे डेवलप्ड इनटू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम एवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं और अगर आपने टेक्सोनोमी के वीडियोस देखे होंगे वहाँ पर भी इस बारे में बात की गई है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन सो प्लांट्स टू हैव ऑर्गन प्लांट्स हैव टिश्यूज एंड टिश्यू इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ सेल्स विच आर कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन एक ही तरह का वो काम करते हैं आ, लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट के टिश्यूज़ पर्टिकुलरली किस तरह के होते हैं तो अनलाइक एनिमल्स अनलाइक हायर एनिमल्स वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स इज मोर डाइवर्स अगर हम एनिमल का टिश्यू लें मान लो हम एक मसल निकाल लें और उसमें सेल्स का टाइप देखें तो बहुत तरह की सेल्स मिलेंगी अगर हम ब्रेन का एक टिश्यू ले लें ब्रेन का एक पार्ट लें उसमें सेल्स देखें तो कई तरह की सेल्स मिलेंगी लेकिन प्लांट में कुछ टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जिन जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो बहुत ही मिनिमम होता है यानी कि वो कई बार एक ही तरह की सेल्स के भी बने होते हैं तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ की हम बात करेंगे डेफिनेशन आपको शायद समझ आ गई कि सेल्स का एक ऐसा कलेक्शन जो एक कॉमन फंक्शन करता है कलेक्टिव वे में काम करता है उसे हम टिश्यू कहते हैं आ, जो प्लांट बॉडी है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है ये एक तरीका है टिश्यूज़ को क्लासिफाई करने का जैसे हमने टेक्सोनोमी में भी देखा था कि प्लांट्स में एक सीड बियरिंग पार्ट होता है फ्लावर बियरिंग पार्ट होते हैं दूसरा जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है तो अगर वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट बन जाता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई नया प्लांट बनता है तो उसे हम सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव वेजिट प्रोपोगे कहते हैं सो हाउ दीज टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज वेजिटेटिव टिश्यूज़ की पहले हम बात करेंगे क्योंकि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ की बात जनरली हम इस सेमेस्टर के एंड वीडियोज़ में करेंगे जहां पर हम पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फ्लावर का स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लेकिन पहले हम बात करते हैं प्लांट के वेजिटेटिव टिश्यूज़ की यानी कि जो नॉर्मल बॉडी प्लान है प्लांट्स का उसमें कितने तरह के टिश्यूज़ हो सकते हैं उनके बारे में देखेंगे तो एक आउटलाइन जो है सिंप्लिसिटी के लिए यह समझने के लिए कि प्लांट के टिश्यूज़ किस तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं तो ब्रॉडली अगर हम बात करें प्लांट के टिश्यूज़ को हम दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं एक मैरिस्टमैटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यूज नाउ व्हाट डज दिस मैरिस्टमैटिक एंड परमानेंट रेफर्स टू सी इन आर बॉडी ऑल्सो हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ और वो नए नए टाइप की सेल्स बनाती रहती हैं क्योंकि आप जानते हैं ना हमारे शरीर की सेल्स भी डेली मर रही हैं बहुत सारी सेल्स मर रही हैं लेकिन उनको रिप्लानिश करना जरूरी है तो अब एक बार अगर आर मर गई तो उनको नया कौन बनाएगा उनको दोबारा कौन क्रिएट करेगा तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके पास एबिलिटी होती है किसी और सेल में डिफ्रेंशिएट होने की दे आर कंसिडर्ड एज स्टेम सेल्स इन एनिमल्स उसी का एनालॉग है मेरिस्टमेटिक सेल्स और मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ इन केस ऑफ प्लांट्स एक बात जो प्लांट्स में यूनिक है जो डिफरेंट है वो ये कंपेयर टू एनिमल्स कि एनिमल्स की जो डिविजन है जो ग्रोथ है वो बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक होती है बहुत ही डिटर्मेंट होती है यानी कि कितनी हाइट बढ़ेगी किसी ऑर्गेनिज्म की कितना वेट होगा कितना उसका बॉडी साइज होगा कितने नंबर ऑफ ऑर्गन्स होंगे ये सब वेल well डिफाइंड होता है तो उसको हम डिटर्मिनिस्टिक ग्रोथ कहते हैं लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है प्लांट्स में अगर आप लीव को एक ऑर्गन मान रहे हैं तो नंबर ऑफ़ लीव्स कैन इंक्रीज दे कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वाटर यू गिव टू द प्लांट हाउ मच न्यूट्री प्लांट टेक्स सो देर इज़ नो डिटर्मिनिस्टिक ग्रोथ इन द प्लांट्स वो इनडिटर्मिनिस्टिक ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर कितने भी ऑर्गन्स हो सकते हैं उनके टिश्यूज जो हैं किसी भी वे में किसी भी साइज़ में इंक्रीज हो सकते हैं सो द फाउंडेशन ऑफ दैट अल्टीमेट इंक्रीज इन द साइज और ग्रोथ ऑफ द प्लांट किसी भी तरह की सेल बनाने की जो जिम्मेदारी होती है प्लांट में जिन सेल्स के पास उन्हीं सेल्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं वी कॉल दैट एज मैरिस्टमैटिक टिश्यू आई होप मैरिस्टमैटिक टिश्यू की बात आपको क्लियर हो गई लेकिन कुछ टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जिनको अपने काम डिफाइंड हो जाते हैं वो उनको एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करना होता है तो अगर उन्हें एक तरह का फंक्शन करना होता है तो ऑब्वियसली उन्हें स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा अब उन्हें स्पेशलाइज्ड होने के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे सेल में तो वो सेल्स फिर परमानेंटली एक दूसरे तरह का टिश्यू बना लेती हैं जो कि वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकते और जो बहुत ज़्यादा प्लांट के डिविजन प्लांट के ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि फंक्शंस के लिए यानी कि फिजियोलॉजी के लिए जिम्मेदार होते हैं और उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज तो ये दो बातें ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है प्लांट टिश्यूज़ का वो मैरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में किया जा सकता है तो आ, आप ये भी कह सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मोर डिस्टिंक्शन बिटवीन मैरिस्टमेटिक एंड परमानेंट वंस द सेल ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड टू अ सर्टन एक्सटेंट दे बिकम स्पेशलाइज जब वो एक बार डिवाइड होकर किसी काम को करने के लिए तो स्पेशलाइज हो जाती हैं दे बिकम परमानेंट टिश्यू तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं फिर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है यानी कि कहीं ना कहीं परमानेंट टिश्यू का ओरिजिन जो है वो मैरिस्टमेटिक से ही होता है अब अगर हम आगे चलें और इसके फर्दर डिविजन्स देखें कि जो सिंपल टिश्यूज़ हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ हैं और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो कितने तरह के होते हैं तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू को ब्रॉडली तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर लोकेटेड अब देखिए प्लांट की ग्रोथ कहाँ से शुरू होती है कहाँ सबसे ज़्यादा होती है आपने देखा होगा कि प्लांट जब बढ़ता है उसकी नई पत्तियाँ निकलती हैं या रूट्स जो हैं नई निकलती हैं रूट्स की साइज़ बढ़ता है तो कहाँ से ग्रो होता है उसकी अपेक्स है एपिकल पार्ट से यानी कि जो भी अपेक्स होगी एक प्राइमरी अपेक्स होती है एक फिर एंसिलरी एपिस होती हैं ब्रांचेस निकलती हैं उनकी भी टिप्स होती हैं तो एक को हम सिंपल वे में कह सकते हैं शूट टिप और इसी तरह से रूट्स में भी टिप्स होती हैं उनके किनारे होते हैं जहाँ पर इस टिश्यू की बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है ये टिशू प्रडामिनेट होता है तो जो मैरिस्टमैटिक टिश्यू एपिस में होगा यानी कि एपेक्स में होगा प्लांट के चाहे वो शूट की एपेक्स हो चाहे वो रूट की एपेक्स हो उसको हम नाम देते हैं एपिकल मैरिस्टमैटिक टिश्यू अभी हम और देखेंगे इसकी पोजिशन के बारे में बात करेंगे देन लेटरल बैरिस्टम लेटरल मैरिस्टम होता है प्लांट में बाकी जगह क्योंकि ग्रोथ केवल लंबाई में ही नहीं होती है प्लांट की जब धीरे धीरे जब प्लांट ग्रो होता है न्यूट्रिएंट लेता है तो वो उसकी थिकनेस भी बढ़ती है आपने नए उगते हुए किसी प्लांट को देखा होगा फिर बाद में ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद उसके स्टेम की भी थिकनेस बढ़ने लगती है और ट्रीज़ तो काफ़ी बड़े ट्रंक के साथ बहुत बड़े हो जाते हैं उनमें वुड का फॉर्मेशन भी होता है तो हालांकि वुड का फॉर्मेशन और इतना ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ हो जाना उसकी बात हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में करेंगे लेकिन लेटरल मेरिस्टेम जो माइल्ड थिकनेस होती है जेंटल थिकनेस जो है प्लांट्स की जो साइज में ग्रोथ हो रही है यानी कि हॉरिजोंटल ग्रोथ जो हो रही है प्लांट की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड देन कम्स इंटर कैलरी मैरिस्टेप्स तो इंटर कैलरी भी बीच में होते हैं कई बार ये भी स्पेशली uh, मोनोकॉट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये जहाँ पर लीफ जुड़ी होती है स्टेम से वहाँ पर अगर पेटियोल को बड़ा करना है या जैसे आप गार्डन में घास काटते हैं तो नई घास की जो लीव्स निकल के आती हैं वो कैसे चौड़े उनके पत्ते ब्रॉड हो जाते हैं तो उन सब के लिए इंटर कैलरी स्टेम मेरिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये तो बात हो गई मेरिस्टम टिश्यूज़ की परमानेंट इश्यूज़ को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इनको सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स कितने तरह की सेल्स हैं किस टाइप की सेल्स हैं तो सिंपल का मतलब है कि एक ही टाइप की लगभग सेल्स होंगी उनमें प्राइमरि पेरेंकाइमा कॉलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा डिस्क्राइब किए जाते हैं और इनमें से कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स या कुछ बायोमोलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं जिससे ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज का फॉर्म ले लेते हैं वेर इज इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब इनमें कई तरह की सेल्स होंगी तो इन इन सारे जो सिंपल टिश्यूज हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज दे जनरली हैव सिंगल टाइप ऑफ सेल्स बट वेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दे हैव मैनी टाइप ऑफ सेल्स सो दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर दो वेल नोन टाइप के टिश्यूज हैं जिनके बारे में आप जानते हैं पहले भी हमने डिस्कस किया है Uh, एक ऐसा टिश्यू जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में मदद करता है एक ऐसा टिश्यू जो एसेंट ऑफ सैप यानी कि ज़मीन से पानी और मिनरल्स लेने के काम आता है तो इनको कहते हैं हम फ्लोएम और जाइलम रिस्पेक्टिवली इन सब की बात हम करेंगे धीरे धीरे वी विल लर्न अबाउट ऑल दोज थिंग्स लेट्स फर्स्ट फोकस अगेन इं टू द मेरिस्टमेटिक टिश्यू दोबारा से हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बात करते हैं सो इफ़ यू लुक एट दी प्लांट केयरफुली किसी नए उगते हुए प्लांट को आप ऑब्जर्व करें किसी ग्रास को या आपके घर में भी बहुत सारे प्लांट लगे होंगे तो आप देखेंगे कि इनके टॉप पार्ट में जहाँ से नई लीव्स निकलती हैं इफ़ यू कट दैट पार्ट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड सो नॉट ऐट द एग्जैक्टली एट द टिप बट स्लाइटली बिलो द टिप टिप के थोड़ा सा नीचे वहां पर एक ऐसा बंच होता है सेल्स का जो कि रैपिडली डिवाइड कर सकता है इनफैक्ट यू कैन मेक यूज ऑफ दैट पार्ट टू आर्टिफिशियली ग्रो प्लांट्स इन द कल्चर आपने प्लांट टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा प्लांट टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट्स आर्टिफिशियली ग्रो किए जाते हैं तो अक्सर जो प्लांट टिश्यू कल्चर बायोलॉजिस्ट होते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं वो इसी पार्ट को प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो ये कवर्ड रहता है पूरी तरह बंद रहता है क्लोज रहता है और इसमें डिविजन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं तो इससे इस पार्ट को निकाल कर अगर आप किसी प्लांट को कल्चर में ग्रो करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी और क्योंकि ये पूरी तरह कवर्ड है तो ये इन्फेक्शन फ्री भी होता है बाहर के एरिया में कहीं और से आप पार्ट लेंगे प्लांट का तो नए प्लांट उससे भी उग जाएंगे लेकिन उसमें क्या होता है कि कहीं कोई वायरस का इन्फेक्शन है कोई बैक्टीरिया है कोई कंटामिनेंट है ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो इसलिए एपिकल मेरिस्टेम को काफ़ी प्रेफर किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए देन कम्स इंटर कैलरी मेरिस्टम तो जैसा मैंने बताया आपको कि इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है वो कई बार ऐसी जगह होता है जहाँ से ब्रांचेज निकल रही हैं तो आप यहां नोटिस कर सकते हैं कि प्लांट में जहां से ब्रांचेस निकलती हैं या फिर स्पेशली मोनोकॉट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं लीव्स जहां स्टेम पर अटैच रहती हैं तो उसके पेटियोल वाले पार्ट को लीव के अटैचमेंट वाले पार्ट को बड़ा करने का काम कौन करता है इंटर कैलरी मैरिस्टम करता है ऑन द अदर हैंड जो लेटरल मैरिस्टम है लेटरल मैरिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट में जनरली जाइलम और फ्लोयम के बीच में प्रेजेंट होता है आप आगे चलकर देखेंगे आने वाले वीडियोस में जब हम कैम्बियम की बात करेंगे जो कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि उसकी विथ उसका जो डायमीटर है उसको बढ़ाने में मदद करता है सो दीज आर थ्री प्राइमरी थिंग्स एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप लेटरल मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट जस्ट बिनीथ द बार्क बार्क के जस्ट नीचे होता है सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है और इंटर कैलरी मेरिस्टेम विच इज़ प्रेजेंट एट इंटरनोड्स एंड दैट इज मेनली फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स मोनोकॉट प्लांट के जो पेटियोल्स हैं उनकी लीफ की जो थिकनेस है उसको बढ़ाने में मदद करता है देर हैव बीन वेरियस प्रपोजल्स वेरियस थ्योरीज अबाउट मेरिस्टमेटिक टिश्यूज बिकॉज मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैन बी कंसिडर्ड एनालॉगस टू स्टेम सेल्स इन दिनिमल्स बट एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनिस्टिक है हमें बहुत वेल डिफाइंड ग्रोथ करनी होती है सारे ऑर्गन्स का नंबर फिक्स है तो वहाँ पर स्टेम सेल का नंबर भी बहुत डिफाइंड होता है और स्टेम सेल का जो डिफरेंशिएशन है वो भी मॉलिकुलर इवेंट्स के थ्रू कंट्रोल रहता है लेकिन मेरिस्टेम के साथ ऐसा नहीं है मेरिस्टेम के पास और ज़्यादा फ्रीडम है दे हैव मच मोर फ्रीडम दे कैन मच मोर रैपिडली डिवाइड एंड दे कैन डिफरेंशिएट क्वाइट फास्टर कंपेयर टू द स्टेम सेल्स इन द एनिमल्स सो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मॉडल ऑफ मेरिस्टेम प्रोलिफरेशन इन हैज बीन गिवन दैट इज कॉल्ड एज टूनिका कॉर्पस मॉडल दैट्स क्वाइट सिंपल नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देखिए मेरिस्टेम में जो डिविजन होता है उसका क्या तरीका है सो बेसिकली एनी मेरिस्टेम विल हैव दिस काइंड ऑफ लेयर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेड एज एल वन एल टू एंड एल थ्री तो ये जो ऊपर के दो लेयर हैं आप एक तरह से उसको प्रोटेक्टिव लेयर समझ सकते हो एपिडर्मल टाइप की लेयर समझ सकते हो बट इट एज मेरिस्टेम तो ये जो ऊपर के लेयर हैं इसे हम एपिडर्मल लेयर और सब एपिडर्मल लेयर कहते हैं इसको ओवरऑल कलेक्टिवली कहा जाता है टोनिका तो so, एक ट्यूनिक यानी कि एक कवरिंग है और कवरिंग के नीचे क्या है जो नीचे वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस सो एनी मेरिस्टम विल हैव अ ट्यूनिका एंड इट विल हैव अ कॉर्पस एंड दिस ट्यूनिका एंड कॉर्पस विल फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड डिविजन इन द मेरिस्टम सो यू कैन सी हियर द एलवन एंड एल टू देर एल्टू फैलते हैं इस तरह से साइडवेज मैनर में डिवाइड करते हैं विच विल प्रोवाइड अ वॉल्यूम और अ कैविटी फॉर डिजन ऑफ द कॉर्पस तो कॉर्पस के फैलने के लिए टूनिका मदद करता है यानी कि और कॉर्पस दोनों एक साथ मिलकर मैरिस्टम की ग्रोथ में मदद करते हैं दैट्स अ वेरी पॉपुलर मॉडल ऑफ मेरिस्टमेटिक ग्रोथ आई होप इतनी बात आपको समझ आई आपको बेरिस्टम के बारे में समझ आया और एक जनरल क्लासिफिकेशन आपको पता चला वी विल टॉक अबाउट परमानेंट इश्यूज जस्ट आफ्टर शॉर्ट वाइल एक छोटे से ब्रेक के बाद hello everyone i am dr seema thakran in semester 1 we covered limit and continuity differentiability asymptotes tangents and normals curve tracing now in semester 2 i will be covering differential equations and partial differential equations there are number of differential equations so we'll be learning how to find solutions for particular differential equations then we'll come to partial differential equations and this topic is very, very important if we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations. The one of the uh, applications are like circuits we have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then, Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then, coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe, S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एसांत अकेडमी ब्रेक से पहले हम प्लांट टिश्यूज़ की बात कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि प्लांट के अंदर कौन से मैरिस्टमैटिक टिश्यूज़ होते हैं क्या उनका ग्रोथ पैटर्न होता है और मैरिस्टमैटिक टिश्यू का रोल क्या होता है अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की परमानेंट टिश्यूज़ जैसा कि मैंने बताया कि वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ होते हैं उनका फंक्शन डिफाइंड होता है उनका काम डिफाइंड होता है और वो किसी भी तरह की सेल को बनाने में मदद नहीं करते हैं बल्कि उनका फेट ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाता है तो वही हमने बात की थी कि परमानेंट टिश्यूज दो तरह के हो सकते हैं एक जिसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं और दूसरे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है बस इतना सा डिफरेंस है कि सिंपल टिश्यूज़ में सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सारी सेल्स एक ही तरह की होती हैं जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट परमानेंट टिश्यूज में सारी सेल्स जो है वो एक जैसी नहीं होती हैं उनमें अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं सो इन सिंपल परमानेंट टिश्यूज वी हैड थ्री टाइप्स प्राइमरि पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा तो पहले इन तीनों की बात करते हैं फिर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करेंगे विच विल इन्वॉल्व जाइलम एंड फ्लोएम सो इफ वी स्टार्ट विथ पैरेंकाइमा पैरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं पैरेंकाइमा बेसिकली वो सेल्स हैं जो प्लांट के अंदर जितनी भी जगह है वो खाली जगह भरने का जो काम करते हैं दे आर ऑल कॉल्ड एज़ पैरेंकाइमा आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल में बहुत सारे डायग्राम्स बनाए होंगे या शायद आप अपने करिकुलम में प्रैक्टिकल्स करेंगे जहां आपको ट्रांसवर्स सेक्शंस दिखाए जाएंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स के तो आप अक्सर कुछ इस तरह के डायग्राम्स बनाते हैं एक एपिडर्मिस बनाएंगे ऊपर फिर यहाँ पर कहीं वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं प्लांट के और फिर बीच में क्या करते हैं आप यू फिल दिस स्पेस विद दिस काइंड ऑफ सर्कल्स इस तरह के सर्कल्स से आप पूरी जगह को भर देते हैं तो चाहे वो रूट का पार्ट हो चाहे वो शूट हो लीव्स हों ये जो इस तरह की बीच की जगह आप फिल करते हैं बाई मेकिंग सर्कल्स एंड इनफैक्ट वेन यू लुक इट थ्रू माइक्रोस्कोप ही अगर आप किसी सॉफ्ट प्लांट का स्टेम को काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भी आपको इस तरह की सर्स दिखाई देंगी जो यूनिफॉर्म होती हैं और इनकी जो वॉल है दे आर ऑल्सो वेरी वेरी यूनिफॉर्म तो प्लांट की सेलवॉल के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना होगा आप अवेयर होंगे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं प्लांट की जो सेल होती है उसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन एक वैक्यूल होता है खाली जगह होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट की सेल में एक मजबूत सेल वॉल होती है जो इसको किसी भी टर्गर प्रेशर या ऑस्मोसिस की वजह से रप्चर होने से रोक लेती है तो ये मजबूती प्रोवाइड करती है एंड दैट इज इम्प्रेग्नेटेड विद लॉट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ये लिग्निफाइड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स सो जो सेल वॉल है सेल वॉल किस नेचर की है प्लांट की सेल्स का शेप कैसा है दिस बेसिकली डिफरेंशिएट्स पैरेंकाइमा फ्रॉम कोलेंकाइमा एंड स्कलैरेंकाइमा तो पैरेंकाइमा एक तो अलाइव है ऑल सेल्स आर अलाइव दे आर फंक्शनली वेरी एक्टिव वो फंक्श फंक्शनली एक्टिव होती हैं और ये एक फिलर टिश्यू का काम करती हैं जहाँ भी खाली जगह है प्लांट में मेन टिश्यूज़ के अलावा जो भी जगह है वो क्या होती है अक्सर पैरेंकाइमा होती है तो पैरंकाइमा जो है ये फंक्शनली एक्टिव अगर है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लीव की बात करते हैं लीफ के ऊपर का लेयर एपिडर्मिस नीचे की लेयर भी एपिडर्मिस बीच में जो सेल्स भरी हुई होंगी दे विल बी कॉल्ड कॉल्डज पैरंकाइमा एंड आपने कुछ इस तरह की सेल्स देखी होंगी जिनके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तो प्लांट के लीफ में जो फोटोसिंथेसिस करने का काम जो लीव्स कर जो सेल्स करती हैं

तो उस तरह के पेरेंकाइमा को हम एरेंकाइमा नाम देते हैं बट वी शुड रिमेंबर वन फैक्ट एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि ये अलाइव होते हैं और फंक्शनली एक्टिव होते हैं तो ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट में एक्सेप्ट फॉर मूवमेंट ऑफ फ्लूड्स दे आर ऑल परफॉर्म बाई पैरेंकाइमा सेल्स एंड पैरेंकाइमा टिश्यूज नाउ कमिंग टू कोलेंकाइमा हाउ कोलेंकाइमा इज डिफरेंट फ्रॉम पैरेंकाइमा सो कॉलेंकाइमा सेल्स हैव थिन प्राइमरी वॉल्स विथ सम एरियाज ऑफ सेकेंडरी थिकनिंग यानी कि इनकी सेल्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो इनमें अन ईवन थिकनेस आपको मिलेगी सपोज दिस इज द सेल वॉल इफ इट वुड है इन पैरेंकाइमा द सेल वॉल वुड हैप भी इन यूनिफॉर्म बट सिंस इट इज कॉलेंकाइमा इट विल हैव अन ईवन थिकनिंग इसकी वॉल्स में कहीं कहीं ज़्यादा थिकनेस होगी कहीं पर कम थिकनेस होगी एंड दैट विल मार्क द डिफरेंस बिटवीन पैरेंकाइमा एंड कॉलेंकाइमा इस तरह से पैरेंकाइमा और कॉलेंकाइमा को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सो so, कॉलेंकाइमा विल ऑल्सो बी सेटल्ड समवेयर बिटवीन पैरेंकाइमा बट दिस इज नॉट वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस काम करने या मेटाबॉलिज्म के टर्म्स में कॉलेंकाइमा बहुत एक्टिव नहीं होता है लेकिन ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट के बाकी सेल्स को बाकी टिश्यूज़ को मजबूती दे रहा होता है सो यू लर्न अबाउट कॉलेंकाइमा कोलेंकाइमा भी समझ आ गया आपको इसके बाद थोड़ा और इससे भी मजबूत जो पार्ट होता है प्लांट का और रिजिडिटी देने वाला पार्ट जिसमें ज़्यादातर सेल डेड हो चुकी होती हैं लेकिन उनकी सेलवॉल के ऊपर डिपोजिशन हो चुका होता है दे आर कॉल्ड एज स्क्रकाइमा आपने नाशपाती खाई होगी तो जब आप नाशपाती खाते हैं तो पियर उसमें क्या रहता है उसमें ग्रिटी कुछ आ, टेक्चर रहता है जब आप उसको काटते हैं ऐसा लगता है उसके अंदर स्टोन्स हैं उसके अंदर रेत है सो वट दैट ग्रिटी स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली लॉट ऑफ स्क्लकाइमा इन दैट उसके अंदर स्पेशलाइज टाइप की स्टोन सेल्स होती हैं जिनके अंदर लिग्निन और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिपोजिट हो जाते हैं तो अगर हम पैरेंकाइमा कोलेंकाइमा के कंपैरिजन में इसको देखें तो पैरंकाइमा की सेल वॉल प्लेन थी कॉलेंकाइमा में अनइवन थिकनेस थी यहां पर भी थिकनेस है लेकिन यहां पर जो सेल वॉल है उसके साथ बहुत सारे फाइबर्स केमिकल्स इस तरह की चीजें इसमें डिपोजिटेड होती हैं जिनको हम कई बार स्क्लेरिट्स भी बोलते हैं क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऑल टुगेदर वी कैन आल्सो कॉल दो सेल्स ए स्टोन सेल्स एज वी सी इन पेयर तो ये मोस्टली डेड सेल्स होती हैं इनकी सेल वॉल हाईली लिग्निफाइड होती है लिग्न एक बायोमोलिक्यूल है, है जिसमें बहुत सारे फिनॉलिक ग्रुप्स होते हैं ये जाइलम में भी देखने को मिलता है जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि सेल वॉल के ऊपर कोटिंग कर दी गई प्लास्टिक पेंट कर दिया गया कुछ इस तरह से ताकि वो और मजबूत हो जाए सो दिस इज नेचुरल पेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल्स विच मेक देम वेरी वेरी रिजिड बट यस इन टर्म्स ऑफ दी लाइफ एंड डेड इफ़ यू लुक अगर आप ये देखें कि कौन सेल्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं तो पैरेंकाइमा सबसे एक्टिव होता है और इस क्लेरेंकाइमा जो है वो ऑलमोस्ट डेड सेल्स का बना होता है उसमें ज़्यादातर सेल्स डेड होती हैं सो दिस वॉज अबाउट द थ्री इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड एंड द यूनिक फीचर ऑफ ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ टिश्यूज इज दैट दे आर मेडअप ऑफ जनरली वन टाइप ऑफ सेल्स इन सारे टिश्यूज में सारी सेल्स जो है वो बहुत अलग नहीं होती हैं एक दूसरे से लगभग एक जैसी होती हैं अब आगे चलते हैं लेट्स टॉक अबाउट नाउ टू कॉम्प्लेक्स टिश्यूज टू कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एज आई टोल्ड यू दे विल हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स उनमें एक से ज्यादा तरह की सेल्स होंगी उनमें से एक है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम फ्लोएम और जाइलम के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं तो और आने वाले आ, फोर्थ सेमेस्टर में भी उसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन होगा इनफैक्ट पूरी फिजियोलॉजी है लोडिंग अनलोडिंग की और आ, एसेंट ऑफ सैप की फिजियोलॉजी जो है वो फोर्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर के वीडियोस में जानेंगे लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली फ्लोएम हो या जाइलम हो ये दोनों क्या है दीज आर द द्लम्बिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट जैसे घरों में पाइपलाइन होती है ना उसी से तो पानी आता है आप टैप खोलते हो तो पानी आता है कभी ख़राब हो जाती है टैप लीक करने लगती है तो प्लंबर को बुला के ठीक कराते हो तो प्लांट के अंदर भी हर जगह सप्लाई जा सके ज़मीन से लेकर न्यूट्रिएंट जो है वो हर पार्ट में पहुंच सकें या लीव्स में जो खाना बन रहा है वो प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंच सके उसके लिए जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर जाइलम एंड फ्लोएम सो फ्लोएम इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मटीरियल इसको हम फोटो एसीमलेट्स भी कहते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमलेट्स कहा जाता है

तो एक प्लांट के स्टेम में फ्लोयम जिस चीज का बना होता है दो वेसल्स और दो सेल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज सीव ट्यूब्स उनको सीव ट्यूब्स कहते हैं नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये छन्नी की तरह होती हैं इनमें हर सेल के एंड पर एक पोरस वॉल होती है जिससे मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है तो एंड टू एंड सेल जुड़ी हुई है इनके किनारे पर छन्नी बनी हुई है तो इससे क्या होता है मटेरियल जो है एक पाइप की तरह एक ट्यूब की तरह इसके अंदर फ्लो हो सकता है लेकिन फ्लोएम सेल्स अकेले टिश्यू नहीं बनाती ये जो सीव सेल्स हैं ये अकेले प्रेजेंट नहीं होती इनके साथ ज़रूरत होती है इनको कुछ और सेल्स की भी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अकंपनिंग सेल्स हैं इनके साथ दिस अकंपनिंग सेल्स विल बी मोस्टली कॉल्ड एज कंपेनियन सेल्स इनको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है और इसके अलावा फिर कुछ और भी सेल्स होती हैं जो इनको अपनी पोजीशन पर बनाए रखती हैं जैसे कि कैम्बियम है या फिर आ, आ, कुछ और टिश्यूज़ जो हमने अभी बात की थी पैरंकाइमा कॉलंकाइमा ये टिश्यूज़ बीच में एम्बेडेड रहते हैं जाइलम और फ्लोएम के तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ फ्लोएम का अगर हम फर्दर और बात करें कि जो कंपेनियन सेल्स हैं इनमें होती हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग कंपेनियन सेल्स भी तीन तरह की होती हैं एक कहलाती हैं ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स एक ट्रांसफ़र सेल्स और एक इंटरमीडिए सेल्स सो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स तो केवल स्मूथ सेल्स होती हैं जो सीव ट्यूब्स के दोनों तरफ प्रेजेंट हैं जो उसको पोजिशन करके रखती हैं अपनी जगह पर मेंटेन करके रखती हैं लेकिन जो फोटो असिमलेट का ट्रांसफ़र होता है आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ये स्टेम है और यहाँ पर लीफ है तो लीफ में अगर कोई फूड बन रहा है वो फ्लोएम यानी कि एक पाइप में जाने से पहले जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते में कंपेनियन सेल्स आती हैं तो पहले वो फूड कंपेनियन सेल्स में जाता है और कंपेनियन सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से एक मोलिकुलर मैकेनिज्म होता है जिसके बारे में हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उस मोलिकुलर मैकेनिज्म से वो लोडिंग होती है फ्लोएम के अंदर और ऐसे ही जब वो फूड प्लांट के बाकी हिस्सों में जाता है जैसे रूट में चला गया वो फोटो प्रोडक्ट तो वहाँ पर अनलोडिंग होती है अनलोडिंग के लिए भी इन फ्लोएम के टिश्यूज में सीव ट्यूब के बाद कंपेनियन सेल्स की जरूरत पड़ती है तो ये ट्रांसफर सेल्स जो हैं ये बेसिकली फ्लोएम में फोटो एसिमुलेट को लोड और वहां से अनलोड करने के काम आती है देन इंटरमीडियरी सेल्स जो हैं ये कुछ एडिशनल सेल्स होती हैं इनमें वैक्यूल्स की अमाउंट ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं जो वैस्कुलर कंट्रोल है या जो ऑस्मोटिक कंट्रोल है उसको प्रोवाइड करने में मदद करती हैं सो सिंस इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट्स वाई वी टॉक्ड अबाउट मैनी थिंग्स कई तरह की सेल्स का बना होता है सिमिलरली फ्लोएम की तरह ही जायलम भी एक दूसरा वेसल सिस्टम है वेस्कुलर सिस्टम है प्लांट का लेकिन जैसा कि मैंने बताया फ्लोएम की सेल्स ज़्यादातर लाइव थीं बट जायलम सेल्स आर मोस्टली डेड क्योंकि जयलम के अंदर सेप का असेंट होता है यानी कि जमीन से जो पानी मिनरल्स जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उतना ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम नहीं है रूट हेयर से सीधे पानी आएगा और वो इन ट्यूब्स में चला जाएगा और सीधे वो ट्रांसपेरेशन पुल की वजह से क्योंकि प्लांट पानी को वापरेट कर रहे हैं तो नीचे से वो प्रेशर से खिंचता हुआ ऊपर चला जाएगा बट वी नीड ट्यूब्स विच आर रोबस्ट इस काम के लिए हमें ऐसी ट्यूब चाहिए जो रोबस्ट हों ऐसी ट्यूब नहीं चाहिए कि जो सॉफ्ट हों जिनके अंदर सी फिल्टर्स हों तो पानी आसानी से इधर उधर तो निकल जाएगा ना आप खुद ही सोचिए कि आप एक पाइप बना रहे हैं तो पाइप प्लास्टिक का ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कागज का ज़्यादा अच्छा रहेगा कागज का पाइप तो गल जाएगा ना बहुत जल्दी वो मुड़ भी जाएगा प्लास्टिक का पाइप है जो वो मजबूत रहेगा तो इसीलिए इस पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्यूब्स होती हैं इनकी सेल्स मरने के बाद दे गेट डाइड एंड आफ्टर दैट दे डिपोजिट अ लॉट ऑफ लिग्निन ऑन दम इनके ऊपर लिग्निन की कोटिंग होती है और जैसा मैंने बताया लिग्निन एक पॉलीमर है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है उसमें बहुत सारे फिनॉलिक ग्रुप्स रहते हैं तो वो इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको कोटिंग प्रोवाइड करता है जिससे आसानी से जो सैप है वो इसमें मूव कर सके एंड दीज ट्यूब्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स अलग अलग शेप की हो सकती हैं एज यू कैन सी है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्लांट कितना बड़ा प्लांट है किस टाइप का प्लांट है किस इन्वायरमेंट पे वो ग्रो कर रहा है डिपेंडिंग ऑन अडाप्टेशन दीज ट्यूब्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सो जाइलम एंड फ्लोयम दीज वर टू इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ ये दो इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ थे प्लांट के जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं और पैरेंकाइमा कोलेंकाइमा एंड स्क्लकाइमा दीज बार सिंपल टिश्यूज़ तो इस वीडियो में हमने अगर समराइज़ करें तो प्लान टिश्यूज़ का एक जनरल इंट्रोडक्शन ही देखा हमने ये देखा कि प्लांट टिश्यूज़ को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है वॉट इज़ अ मेरिस्टमेटिक टिशू एंड वॉट इज अ परमानेंट टिश्यू मोर ओवर वी कैन ऑल्सो से दैट इन प्लांट टिश्यूज को हम एक दूसरे वे में भी कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे कि परमानेंट टिश्यूज का वो पार्ट जो बाहरी लेयर बनाता है उसे हम एपिडर्मिस कह सकते हैं या फिर परमानेंट परमानेंट टिश्यूज का वो पार्ट जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहता है जो ट्यूबुलर सिस्टम बनाता है उसको हम वेस्कुलर बंडल्स कह सकते हैं और ऐसा पार्ट जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है उसे हम कैम्बियम कह सकते हैं और जो खाली जगह होती है जिसको भरा जाता है फिल्ड जगह है सेल्स से भरी हुई है उसको हम पिथ कह सकते हैं सो दैट कैन बी अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग टिश्यूज़ एपिडर्मिस एंड देन वैस्कुलर बंडल्स देन कैम्बियम एंड पिथ वी विल टॉक अबाउट दैट ग्रेजुअली इन कमिंग वीडियोज़ आने वाले वीडियोज़ में हम इनकी बात करेंगे सो फाइनली दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इन केस यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक्स अगर इन टॉपिक के बारे में आप और पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं और आपको डिटेल्स मिलेंगे इन बुक्स में आपको इलास्ट्रेशंस मिलेंगे साथ ही साथ आप फंक्शंस और इनके जो एप्लीकेशन हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं इनके इंडिविजुअल सेल्स के टाइप इनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं अगर आपके पास इन किताबों की हार्ड कॉपीज नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई e बुक को भी एक्सेस कर सकते हैं आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़ इफ़ सो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.